सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। सो आप तो जानते ही थे कि मेरा बुखार था, तो मेरा बुखार अभी पूरा पूरा ठीक हो चुका है। थोड़ा तबीयत ख़राब है क्योंकि बुखार से उठी हूँ, थोड़ा थोड़ा गले में दर्द है, चेस्ट में भी पेन है, बट मैं अभी बिल्कुल फाइन हूँ। लेकिन मम्मी का भी बुखार आ चुका है। मम्मी का कल रात को था 101 आई गेस, और इसका आप लोग देखो इसका क्या हो चुका है। गाइस, पहली बार नहीं, बहुत बार मैं शर्टलेस हुआ हूँ, बट इस बार होना ज़रूरी है क्योंकि आपको देख के कुछ समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, मेरे को समझ आ रहा है। सर जूम इन कर लेते हैं। जी हाँ, एट द एज ऑफ 26 मेरे को चिकन पॉक्स हुआ है। कल तक एक्चुअली ये जो भी ये रैशेस है या ब्लिस्टर्स कह सकते हो इसको, ये कल से निकलना चालू हुआ है 1-2-3 करके। एंड मैं और मम्मी, मैं नहीं, मम्मी पूरा डिनायल मोड में थी कि ये पॉक्स तो नहीं है, ये कुछ और होगा, गर्मी की वजह से निकला क्योंकि बुखार आया हुआ था। तो अभी शरीर में इतना निकल गया है और भी शायद निकलेगा कि अगर अभी आके कोई बोले कि ये चिकन पॉक्स नहीं है तब मैं नहीं मानूंगा। तो आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है, नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ब्लिस्टर, ये वाला ब्लिस्टर पेट में, कुछ कुछ ब्लिस्टर्स बहुत बड़ा बड़ा है। पीठ वाला दिखा दो, पीठ में सबसे बड़ा है। तो पीठ में ये दो है जो बहुत बड़ा है, ब्लिस्टर्स, पॉक्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। अब क्या प्रोसीडियर है मेरे को कुछ नहीं पता। इसको पॉक्स हो चुका है इसलिए इतना चैन से बैठी है, बट फिर भी डर है फिर से ना हो जाए। मैं जब क्लास 10th में थी, 10th के बोर्ड एग्जाम के पहले मेरा हुआ था। तो अभी मेरा सीन ऐसा है कि कोई खुजली नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, नथिंग। सो गाइज, दिस इज़ डे 3 एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, 3rd डे इज़ द डे जहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा निकल चुका है आपके पूरे शरीर में। कैमरा में पता नहीं कितना समझ आ रहा है आपको, बट माई एंटायर पेट का रीजन, चेस्ट में, इवन ऑन माई फेस, एज यू कैन सी, यहाँ पे, तो यू कैन सी राइट, फेस में बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी धीरे धीरे। कल तक फेस में 1 या 2 ही था, बैक साइड नहीं दिखा पाऊँगा। सो दैट इज़ द सिनेरियो। पीठ में पेन हो रहा था जब मैं सो रहा था, 1-2 या सब ब्लिस्टर्स में, बट आज कल रात को जब मैं सोया कुछ पेन फील नहीं हुआ। एंड अभी मैं काफ़ी स्वेट कर रहा हूँ बिकॉज शरीर बहुत हीटअप हो चुका है, एंड बुखार अभी है नहीं। कल रात को बुखार था बट मैंने कोई दवाई नहीं लिया बिकॉज मेरे को समझ आ गया था कि ये दवाई लेने से ठीक होने वाला नहीं है, अपना ऑटोमेटिकली इट विल गो अवे। सो वही हुआ। सो टुडे इज़ डे 5 ऑफ माई पॉक्स जर्नी, एंड 3rd डे को मैं व्लॉग या फिर मैं आपको कुछ फुटेज क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज 3rd डे वॉज द मोस्ट पेनफुल डे अभी तक, क्योंकि जितना भी निकला है शरीर में 80% केम ऑन द 3rd डे। सो मैं सो नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, चलने में दिक्कत हो रहा था बिकॉज पैर के तले भी हुआ है, सो भी नहीं पा रहा था मैं रात भर, शायद टोटल मिला के 1 या 2 घंटा सो पाया था जब थोड़ा ठीक हो रहा था। सो दैट वॉज अ थिंग। एंड देन द 4th डे बेटर, एंड टुडे इज 5th डे, तो मैं आपको दिखा दूँ कि कितना निकला है। एज यू कैन सी, बहुत सारा निकल गया है, यू कैन सी राइट, बहुत सारा। फिर पीछे भी दिखा दूँ मेरे पीठ में। सो कोई पेन वैसे है नहीं, कुछ कुछ ब्लिस्टर्स में ही पेन है अभी, जैसे ही अब बैठ रहा हूँ तो थोड़ा थाई के साइड में है जहाँ पे पेन हो रहा है, थाई के नीचे पेन हो रहा है, गले में एक है जिसमें पेन हो रहा है, तो कुछ कुछ है जिसमें पेन हो रहा है, कभी कभी हो रहा है या फिर प्रेशर देने पर हो रहा है, फिर प्रेशर देने नहीं पर भी कभी कभी हो रहा है, वेरी फ्यू ऑफ देम। बट नाउ आई एम गोना शेयर विथ यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ, एंड अगर आपको पॉक्स अभी अभी हुआ है या फिर किसी को भी हुआ है फैमिली में, सो यू कैन हैव एन आइडिया राइट व्हाट गोज थ्रू। सो आई एम शेयरिंग विथ यू माई खाने का रूटीन। मैं वैसे, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ एकदम बॉइल्ड किया हुआ चीज़ें खाते हैं, तो मेरा वैसा सीन अभी नहीं चल रहा है क्योंकि बॉइल्ड खाऊंगा तो मैं बहुत वीक हो जाऊंगा एंड आई कैन नॉट इवन स्टैंड, ऐसा भी हो सकता है। सो फर्स्टली आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन्स, नो मेडिसिन, ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको। खाना मैं नींद से उठ रहा हूँ, नारियल का पानी, उसके बाद गन्ने का जूस, उसके बाद ब्रेकफास्ट में 2 रोटी, सब्जी और अंडा, सिर्फ व्हाइट, 1 का व्हाइट,
एंड फिर दोपहर को नॉर्मल जैसा हमारे बंगालियों का दोपहर का लंच होता है, चावल के साथ सब्जी, ये वो, वाटरमेलन जूस बना के भी दे रही है तो वो भी मैं पी रहा हूँ। केला यहाँ पे है, खाया नहीं हूँ आज, खाऊंगा मैं, केला खा रहा हूँ। उसके बाद लंच, उसके बाद आपका शाम को बॉइल्ड पोटैटो, उसके बाद बीट रूट, कैरेट्स, सब मिला के उसमें थोड़ा नमक छिड़क के वो मैं खा रहा हूँ। एंड देन रात को नॉर्मल फिर से चावल और सब्जी डाल ये सब करके खा रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, पेट मतलब यू नो व्हेन यू आर हैविंग पॉक्स, आई थिंक आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब होता है। आई एम नॉट श्योर सबका होता है कि नहीं, बट मेरा थोड़ा सा है, बिकॉज नॉर्मल पॉटी नहीं हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, मतलब क्या ही डिस्क्राइब करूँ, बट हाँ, पेट इज़ नॉट 100% फाइन। गैस प्रॉब्लम्स है अभी भी, तो उसके लिए भी दवाई खा रहा हूँ, लगभग रोज़ ही खा रहा हूँ पैंडी। सो दैट इज़ हाउ आई एम लिविंग द डे। एंड यहाँ पे सब कुछ लगाने के लिए आज फिफ्थ डे है। आज सुबह मैंने, एज यू कैन सी, हरा हरा ये क्या है, ये नीम के पत्तों को पेस्ट करके लगाया गया है। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज़ लुकिंग। मम्मी कहती है कि इसको लगाने से जल्दी सूखने लगता है ये सारे ब्लिस्टर्स। एक्चुअली बहुत सारे ब्लिस्टर्स यू कैन सी काले काले हो रहे हैं, ये इतने काले नहीं थे। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, पेट में ये वाला, ये वाला, ये इतने काले नहीं थे। दैट मीन्स दे हैव स्टार्टेड सूखना। ओके, बाय द वे, दिस इज़ द लोशन जो मैं लगा रहा हूँ, ऑल सूथ। इसमें कैलामाइन है और एलोवेरा का मिक्सचर है और कुछ होगा शायद, ये मैं लगा रहा हूँ, और लैक्टो कैलामाइन है वो, तो मिला के कभी ये कभी वो लगा रहा हूँ मैं। कहते हैं कि ये लगाने से दाग नहीं रहते हैं या फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, तो मैं अभी से ही लगा रहा हूँ। एंड जब खुजली हो रहा है तो इस पर लगाने के बाद आधा घंटा के बाद थोड़ा रिलीफ हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डे। थर्ड डे मेरे को इतना ज़्यादा खुजली, पेन बताना गलत होगा, खुजली हो रहा था, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मच्छर काटता है, आप उस जगह को खुजला देते हो, राइट? पहली बात, आप यहाँ पे खुजला नहीं सकते, यू कैन नॉट पुट योर नेल्स ऑन दिस, राइट? नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और मॉस्किटो बाइट का क्या होता है कि अगर आप इसको खुजलाए भी तो वो एक मिनट तक आपको शांति देगा, फिर से आप खुजलाए, फिर एक मिनट तक शांति देगा, एंड देन फिर होगा नहीं। बट दिस थिंग्स ऑन द थर्ड डे एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुक रहा था खुजलाना। सो दैट वॉज वेरी 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 पेनफुल, दिन से लेके रात तक, एक्चुअली नेक्स्ट डे तक, डे फोर्थ तक, सुबह तक। एंड अनदर थिंग, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हो रहा है, ट्रस्ट मी दैट दैट एरिया इज वेरी सेंस, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन योर बॉडी, राइट? तो वहाँ पे अगर होता है पॉक्स तो वहाँ पे पेन ज़रूर होगा। बट इफ़ यू आस्क मी, देन इट वॉज ओनली ऑन द थर्ड डे, एंड फोर्थ फिफ्थ में इट इज़ नथिंग। अनदर थिंग फॉर यू गाइज, जब मैं कपड़े पहना हूँ, मतलब टी शर्ट, पैंट एंड पंखा चल रहा है, तो जो ओपन एरिया है उसमें थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हवा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पिर 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 ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, सो और जो ढका हुआ है वहाँ पे उतना नहीं हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है। एक और चीज़ मैं लगा रहा हूँ जो इंद्रानी की मम्मी ने बताया है कि नारियल का पानी को ये सारे स्पॉट्स में, अभी तो स्पॉट है नहीं, अभी तो ब्लिस्टर्स है, इस पर लगाते रहने से दाग नहीं आते, मतलब बनते ही नहीं है दाग, ऐसा कुछ है। सो मैं लगा रहा हूँ, अब जितना भी मेरे को जानने में आ रहा है मैं सब कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। बट यस, हैविंग पॉक्स इज वेरी पेनफुल। सो गाइज, टुडे इज़ डे 9, एंड चेहरे का जितना भी सारा ब्लिस्टर्स था, छोटा छोटा था एक्चुअली, चेहरे में बड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे सूख चुके हैं, एंड प्रोबेबली 2-3 दिनों में ये सारे गिर जाएंगे। नाक का ये वाला यहाँ पे एक था जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये गिर चुका है, सर से एक गिर चुका है। सो थिंग्स आर स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ, बट ये सिर्फ चेहरे का बात मैं बता रहा हूँ, मतलब अबव नेक, बट बिलो नेक हालत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ, इफ़ यू सी दिस ब्लिस्टर्स हैव टर्न्ड वाइट, देख के थोड़ा डरावना लग रहा है, लग रहा है कि इसके अंदर जो पस है वो निकलना चालू हो जाएगा। एक्चुअली मेरे हाथ का यहाँ पर एक, यहाँ का जो ब्लिस्टर देख रहे हो, इसका जो पस है वो निकलना चालू हो गया था, मतलब ऐसा नहीं कि सारा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, एंड उसको दबा भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो जितना अपने आप से निकल रहा है उतना ही निकल रहा है। फिर यहाँ पे कॉलर बोन के ऊपर एक हुआ था, दिस वन, इसका भी पस निकला है आज सुबह। सो ये हालत है, ये अभी तक सूखे नहीं है एकदम ही,
बट हाथ और पैर के जो छोटे वाले ब्लिस्टर्स थे वो सूखना चालू हो गया है, मतलब प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 4 days दे विल बी गॉन। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ अबाउट पॉक्स जो मैंने लास्ट में नहीं बताया था, दैट इज़ अबाउट द ईचिंग पार्ट। ये इतने पतले नहीं होते कि इसके ऊपर से अगर हाथ थोड़ा सा रब कर दो कि ये पिचक जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस आर हार्ड मटेरियल्स, तो खुजली हो रहा है तो यू कैन प्रेस ऑन दैट एरिया। मैं क्या करता था कि बहुत खुजली हो रहा है तो मैं इसको ऐसे प्रेस करके रख रहा था तो बहुत आराम हो रहा था। तो सोने के टाइम पर अगर आपको पूरे शरीर में खुजली हो रहा है, मैं बताऊंगा कि आप सीधा लेटे हो, आपके ऊपर से वो जो साइड पिलो होता है उसको ऊपर पे हक करके आप चादर ओढ़ के सो जाओ तो बहुत आराम मिलेगा, मेरे को मिला था। पहला थिंग ये। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट टेकिंग बाथ। बिना नहा के मैं नहीं रह पाता हूँ इन जनरल डेज ओनली। तो मेरा काफ़ी शरीर गर्म हो रहा था बिकॉज ऑफ विच इरिटेशन हो रहा था, मेरे को नहाना ही है। तो मैं कल नहीं नहाया था ऑन द डे 8 इन द एंटायर 1 to 9 days। आज भी मैं नहाया हूँ, बट नहाने के टाइम क्या कर रहा हूँ, जो नीम का पत्ता होता है मम्मी क्या करी, उसको पानी में उबाल के उसका एक जो भी है चीज़ें निकल आता है तो पानी का वो थोड़ा ब्लैकिश वाटर बन जाता है, उसको पानी में मिला के उसी में मैं नहा रहा हूँ, बट विदाउट सोप। सोप मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो द रीज़न, बट सोप इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपको रब करना होगा सोप रिगरसली, तो दैट्स द रीज़न आई एम नॉट यूजिंग इट। एंड अबाउट फूड, मैं अभी आफ्टर day 3 or day 4 मैं सब कुछ नॉर्मल खा रहा हूँ, मतलब जो घर वाले खा रहे हैं मैं वही खा रहा हूँ। बस मसाले थोड़ा कम देकर बना रही है मम्मी, मतलब वो प्याज नहीं है और भी जितने रिच मटेरियल्स होते हैं ना, मतलब खाना को रिच बनाते हैं एक्चुअली, वो सब नहीं खा रहा हूँ मैं, बाकी सब ऑल गुड। एंड एक और चीज़, वो जो लैक्टोकैलामिन है वो अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ जब तक ये सूखना चालू नहीं हो जा रहा है, बिकॉज उसमें इरिटेशन हो रहा है मेरे को। ये मेरा पर्सनल है, सबको नहीं हो सकता है, वो मेरे को इरिटेशन हो रहा है, इसलिए अभी मैं छोड़ कर रखा हूँ कि जब तक ये सूख जाएंगे, स्कैप फॉर्मेशन हो जाएगा, तब उसके बाद मैं लगाऊंगा। एंड बाकी सारे आई डोंट नो कितने मार्क्स रहेंगे, बिकॉज चेहरे पे मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा मार्क्स रहेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बट शरीर में तो बाप रे, यू कैन सी यहाँ पे। तो जो भी हो, ये वाला व्लॉग यहीं तक रखते हैं। मैंने जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था मैंने शेयर किया है, एंड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको बता पाऊंगा इन दिस वीडियो या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, या आई मीन इन द कॉमेंट सेक्शन या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भेजो ताकि वो लोग अवेयर हो पाए। एंड जिसका होता है भैया, थोड़ा अगर देख दो ना हाथ में कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ यार, क्योंकि मुझे भी किसी से ही हुआ है एक्चुअली। जो भी है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, हैंडल रहा मैं अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड कीप वॉचिंग ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। थैंक यू, प्रे फॉर माई क्विक रिकवरी, बिकॉज मेरे को कभी कभी दिमाग, मतलब दिमाग खा रहा है कि यार कब ठीक होगा। आज 9th day है आज, और आज भी सूखना चालू नहीं हुआ है तो कितना दिन तक खींचेगा ये, 2 हफ्ता होने वाला है 4 दिनों में।